स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, एनडीए को सरकार गठन में एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? ए, उन्होंने एनडीए नेतृत्व का विरोध किया। बी, वे पिछली बैठकों से अनुपस्थित थे। सी, वे एनडीए के नए सदस्य हैं। डी, सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण है। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन, एनडीए की बैठक में एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण है। इस बार भाजपा बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें पीछे रह गई और सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, सिक्किम। सी, मेघालय। डी, असम। आंसर ए, अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट प्रकार की नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज की है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट ATREE के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। इस प्रजाति का नाम पेराप्रा ट्रेचिना नीला रखा गया है जो आम लाल, काली या भूरी चींटियों से अलग है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? ए, पाकिस्तान। बी, दक्षिण कोरिया। सी, ब्राजील। डी, केन्या। आंसर बी, दक्षिण कोरिया। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य एयरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। दक्षिण कोरिया ने इसे कोरिया एयरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा नाम दिया है। दक्षिण कोरिया ने साल 2032 में अपने पहले चंद्र मिशन की योजना बनाई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए, भूटान। बी, नेपाल। सी, मालदीव। डी, भारत। आंसर सी, मालदीव। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में मालदीव ने अपने देश में इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच मालदीव ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था और साल 2010 में फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए थे। अगला प्रश्न, T20 2024 विश्व कप क्रिकेट में किस टीम से पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई? ए, अमेरिका। बी, आयरलैंड। सी, कनाडा। डी, नेपाल। आंसर ए, अमेरिका। एक्सप्लेनेशन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के 11वें मैच में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मेजबान अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर इतिहास रच दिया। पाकिस्तान को सुपर ओवर में जीत के लिए 19 रन की दरकार थी, लेकिन सौरभ नेत्रवलकर ने शानदार गेंदबाजी कर अमेरिका को इस विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दिला दी। सौरभ ने सुपर ओवर में एक विकेट लेकर 13 रन खर्च किए।